वेलकम बैक टू माई चैनल। एज यू कैन सी मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ। इस लुक को क्रिएट करने में मैं जितना ज़्यादा एक्साइटेड थी, लुक अचीव करने के बाद मतलब जितना सोचा था उससे भी अच्छी रिजल्ट आई है। एंड इस तरह की मेकअप लुक मैं फर्स्ट टाइम आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी वेडिंग सीजन चल रही है तो मैंने सोचा ब्राइडल के ऊपर काफ़ी सारी यू नो मेकअप लुक क्रिएट किया जाए। हल्दी मेकअप मैंने आपसे शेयर किया, वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक तो ऑलरेडी आपसे शेयर किया दो तीन। अभी ब्राइडल के ऊपर भी मैं सोच रही हूँ, ये जो है मेहंदी लुक है। सो अगर आपकी शादी है या फिर कोई भी फ्रेंड की शादी है, ब्राइड्स भी इस तरह की लुक क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्सो जो वेडिंग मेहंदी के लिए जो गेस्ट होती है वो भी इस तरह की मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है गाइज, एंड ये जो आई मेकअप है ना डैम ईजी है। आप बस चुटकी में ये आई मेकअप क्रिएट कर सकते हो। जो प्रोडक्ट्स मैं आज यूज़ कर रही हूँ काफ़ी अफोर्डेबल है, मतलब कुछ कुछ अफोर्डेबल है, आप अफोर्ड कर सकते हो। सर से लेके पाँव तक जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया है ना, सारी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन से है। अभी अमेज़ॉन में 18 दिसंबर से सेल ओपन होगी, सेल चलेगी, वार्डरोब रिफ्रेश सेल, जिसमें आपको 70-80% डिस्काउंट मिलेंगे ऑन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज करूंगी इनमें से कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ज्यादा बकबक ना करते हुए मैं आपसे शेयर करती हूँ इस मेकअप लुक की ट्यूटोरियल। सो एट फर्स्ट मैंने फेस को वॉश कर लिया, ड्राई भी कर लिया। अभी मैंने फर्स्ट जो किया लेंसेस पहन लिया फ्रॉम फ्रेश लुक। उसके बाद स्किन को अच्छी से प्रिपेयर करना है क्योंकि विंटर मेकअप है ना, स्किन को अच्छी से मॉइस्चराइज करना है। मैं पहले यूज़ कर रही हूँ डॉटन की का ये इल्यूमिनेटिंग सीरम मॉइस्चराइजर। ये क्या करती है, फेस को डीपली हाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइज करती है, एज वेल एज स्किन पर एक इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट भी लाती है जो मेकअप के लिए काफ़ी अच्छी है। सो इसे अप्लाई करने के बाद आप देखिए फेस पर एक इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट आ गई। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ वेला वीटा का ये रोज गोल्ड मॉइस्चराइजर। तो ये क्या करेगी, इसकी कलर देखिए गाइस बहुत ही अच्छी है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल एलोवेरा जेल की तरह है। इसे मैं फेस पर अप्लाई कर लूँगी, ये स्किन को अच्छी से मॉइस्चराइज भी करेगी, प्राइमर का काम भी करेगी, एंड स्किन पर एक पिंकिश ग्लो भी लाएगी एज यू कैन सी। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ इलाना का ये बीटरूट टिंट, टिंटेड इफेक्ट लाने के लिए। मैं चिक्स पर अप्लाई करूँगी एंड इसकी स्मेल ना काफ़ी अमेजिंग है। नोज़ पर अप्लाई भी कर लूँगी एंड उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छी से ब्लेंड कर लूँगी। एंड ये देखिए मेरी चिक्स कितनी पिंकिश पिंकिश लग रही है। आज की मेकअप मैं यूज़ कर रही हूँ सुनीसा का ये फाउंडेशन, कुशन फाउंडेशन है। इसकी कवरेज हाई तो नहीं है बट बहुत ही अच्छी ड्यूवी फिनिश देती है गाइज। ये देखिए हाफ फेस पर अप्लाई कर लिया, अभी देखिए कितनी अच्छी एक इफेक्ट आई है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये फुल कवरेज तो नहीं देती है बट काफ़ी अच्छी है गाइज। तो इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट फ्रॉम लैक्मी, ये बहुत ही अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट है गाइस। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का आज अराइवल ये ब्राउ डिफाइनर। मेरी ब्राउज अभी शेप्ड नहीं है, ग्रूम्ड नहीं है, तो मैंने इस तरह से इसे अप्लाई कर लिया। क्योंकि ग्रूम्ड नहीं है मेरी आईब्रोज तो मैंने क्या किया, कंसीलर अप्लाई कर लिया आईब्रो को अच्छी से रिफाइन करने के लिए इस तरीके से, एंड आईलिड पर भी अप्लाई कर लिया। एंड मैं अंडर आई पर हल्का सा इस तरह से अप्लाई कर लूँगी एंड दोनों मतलब लिप्स के साइड पर भी इस तरह से अप्लाई कर लूँगी। एंड उसके बाद बहुत ही पेशेंसली इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी एज यू कैन सी। बहुत सारी गर्ल्स ये बोलेंगे कि कॉम्पैक्ट के बाद आप कंसीलर अप्लाई कर रहे हो, तो ये चलता है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। अभी कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद जहाँ जहाँ पर भी मैंने ब्लेंड किया है वहाँ पर सेम कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लूँगी। आई मेकअप की बारी है गाइज, जो बहुत ही ईजी है। मैं यूज़ कर रही हूँ आदमेनी का ये डेजलर आई शेडो पैलेट। इसकी ये पिंक जो शेड है ना, इसे पहले एज माई ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर लूँगी पूरी क्रीज एरिया पर। उसके बाद ये जो कलर है ना, इसे मैं आई की जो दोनों कॉर्नर्स है ना, इस तरह से बस डिपॉजिट करूँगी एंड जो आईलिड की मतलब जो मेरी क्रीज लाइन है वहाँ पर मैं डिफाइन करूँगी। उसके बाद इसे इस तरह से ही अप्लाई करते जाऊँगी जब तक मुझे डिजायर्ड कलर नहीं मिलती है। एंड जो आउटर कॉर्नर है वहाँ पर वी शेप करके इस तरह से अप्लाई कर लूँगी एंड उसे अच्छी से आपको ब्लेंड करना है, ठीक है। ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर जो आईलिड पर मेरी खाली एरिया है वहाँ पर एक मैंने गोल्डन शिमरी कलर ले लिया है, हाइलाइटर शेड ले लिया है, इस तरह से अप्लाई कर लिया। उसके बाद उसे भी मैं दोनों कलर के साथ मिक्स कर लूँगी कुछ इस तरीके से। अभी इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, दैट इज़ ये ग्लिटर्स। ये जो पैक ऑफ 12 ग्लिटर्स है ना गाइज,
बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अफोर्डेबल है। मैं ये सिल्वर कलर ग्लिटर्स यूज़ कर रही हूँ, चांद तारे सारे सब कुछ मेरी लिड्स पर आ गई एंड बहुत ही अच्छी है गाइस। इसके साथ आपको ग्लू भी मिलेगी इसे स्टिक करने के लिए। डिफरेंट कलर्स की है, डिफरेंट साइजेस की है, डिफरेंट डिज़ाइन की है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना गाइस। उसके बाद मैंने जो कलर आईलिड पर अप्लाई किया ना, वही कलर मेरी लोअर लैश लाइन पर भी इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बिलोरा पेरिस का ये काजल, जिसकी एड्स मैंने बहुत देखा गाइस, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ही डार्क है, बहुत ही अच्छी है। इसे मैं एज माई काजल पर अप्लाई कर ही लूँगी। उसके बाद मैं एज माई आईलाइनर बस आई की कॉर्नर पर इस तरह से जस्ट थोड़ी सी विंग क्रिएट करूँगी एंड उसे ना ब्लेंड कर लूँगी स्मोकी आई लुक की तरह, हल्का सा मैं उसे स्मोक आउट कर लूँगी विंग की तरह एक ब्रश से। ठीक है, हो गई मेरी आई मेकअप। इसके बाद ये जो पिंक कलर है इसे मैं एज माई ब्लश यूज़ कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मैंने टिंट यूज़ किया था, उतनी ज़्यादा ब्लश की ज़रूरत नहीं है। एंड सेम पैलेट से मैं एक हाइलाइटर शेड लेके फेस को हाईलाइट कर लूँगी, ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर पर भी अप्लाई कर लूँगी। ठीक है, तो हो गई मेरी फेस मेकअप। लास्ट में यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर लिपस्टिक दैट इज़ फ्रॉम शुगर, ये क्रेयॉन लिपस्टिक है गाइस, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, कलर भी काफ़ी प्यारी है एज यू कैन सी। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मिलानी का ये मास्क एट लास्ट मेकअप सेटिंग स्प्रे, बहुत ही अच्छी एक स्प्रे है गाइस। आज की मेकअप में मैंने कोई भी मस्कारा आईलाइनर यूज़ नहीं किया, बट मेकअप फिनिश के बाद मैंने सोचा लोअर लैशेस पर थोड़ी सी मस्कारा अप्लाई कर लूँ एंड दिस मस्कारा इज़ फ्रॉम लॉरियल। एंड इसी के साथ मेरी मेकअप भी यहाँ पर कम्प्लीट हो गई। गाइज ये थी मेरी आज की मेहंदी लुक ट्यूटोरियल। एज यू कैन सी ये जो आई मेकअप है ना गाइज, मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, मतलब क्रिएट करने के बाद मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। तो देर किस बात की गाइज, जैसे मैंने आपको बताया अमेजोन पे सेल ओपन होगी 18 दिसंबर से, एंड अगर आप प्राइम आपका प्राइम मेंबरशिप है तो 17 दिसंबर से ही आप सेल से प्रोडक्ट्स बाई कर सकते हो। तो सारी लिंक्स सारी डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।